हेलो दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे घटनाओं को देखा होगा जिससे आप हिल जाते होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट दिखाएंगे जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश, हाजिर हुए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर दो नदियों का आपस में ना मिलना, एक साथ बहने के साथ साथ आपस में ये नदियाँ नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि इसे आप अपनी आँखों से देख सकते हो। ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत देश के उत्तराखंड में मौजूद देवप्रयाग का है। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का पानी साथ में आ भी जाता है, लेकिन आपस में मिल नहीं पाता। ये एक यूनिक फिनोमिना है जिसे देखने के लिए यहाँ बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। नंबर दूसरा है जेनेटिक ब्रीड हॉर्स। इतने छोटे घोड़े आपने कभी देखा ही नहीं होगा, विश्वास है कि नहीं देखा होगा, क्योंकि जिनका नमूना आपने इस वीडियो में देख सकते हो, जिस तरह डॉग व कैट की ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके एक नए स्पेसीज का निर्माण होता है, उसी तरह एक घोड़े की ब्रीड के साथ किया जा रहा था ताकि छोटे घोड़े का निजात किया जा सके, जो किसी ने सोचा ही नहीं था, जिससे घोड़ा आप देख सकते हो ये डॉग से भी छोटा है। नंबर तीसरा है पटाखे की दुनिया। कई प्रकार के पटाखे कई निजात हो चुकी है, जिससे कोई स्टार और काफी ऐसी चीजें जिससे कोई प्रतिबिंब बनती रहती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ऐसे पटाखे की निजात हुई है जो आप उसे दिन में भी फोड़ सकते हो, क्योंकि वो एक अलग अलग कलर वहाँ पर निकलते रहते हैं, जिससे पूरे आसमान की खूबसूरती और भी अच्छी हो जाती है। हर एक पटाखे की अपनी अलग अलग पहचान होती है। तो ये भी इतने खूबसूरत पटाखे आपने कभी अगर देखे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ रंग बिरंगों के पटाखे इस तरीके से मार्केट में आ गए हैं जिससे पूरे आसमान में बहुत ही खूबसूरत नजर आने लगते हैं। सर्कुलर रेनबो। प्रकृति कभी कभी अपना कहर तो दिखाती रहती है जिससे पूरी दुनिया जान जाती है, लेकिन कभी कभी प्रकृति और भी खूबसूरत और सुंदर हो जाती है जिससे लोग जान भी नहीं पाते। तो क्या आपको पता है, आपने रेनबो तो देखा ही होगा। हाँ हाँ, मैं इंद्रधनुष की बात कर रहा हूँ, आपने तो देखा ही होगा, लेकिन पृथ्वी से जब आप रेनबो देखेंगे तो आपको सिर्फ आधा ही रेनबो दिखेगा, और पूरा रेनबो देखने के लिए, क्योंकि फ्लाइट से ही इस पूरे सर्कुलर रेनबो को आप देख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो रेनबो आप देखते हो वो पूरा सर्किल होता है जो कलर के फॉर्म में बनता है। ये ऐसा फिनोमिना है जो नेचर बहुत खूबसूरत बनाती है, इसे सर्कुलर रेनबो कहा जाता है, जो आसमान की ऊंचाई से बहुत ही आसानी से इसे देखा जा सकता है। एयर प्रेशर। आपने कभी हवा को इतने वेग से चलती देखी है कि सामने मौजूद बोर्ड को तोड़ दे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक ऐसी मशीन है जिसके कारण यहाँ पर एक प्रेशर को, हवा के प्रेशर को छोड़ा जाता है, जिस बोर्ड पर ये डायरेक्ट किया जाता है। उसके साथ होता यह है कि सामने का जो बोर्ड होता है वो तुरंत टूटकर गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ही तेज होता है, और हवा में इतनी तेज प्रेशर होती है आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं होगा। नंबर पांचवा है, आपने कई मैटर्स हवा में उड़ते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक साथ कई मैटर्स हवा में उड़ते देखा है? तो आइए दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से एक बार घटना हो गई जिससे काफ़ी मैटर्स हवा में उड़ने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक साथ सारी मैटर्स गिर गई थी, जिससे हवा के चलते एकाएक सारी मैटर्स उड़ने लगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में फ्रेंड्स एक बेल आइकन है जिसको प्रेस, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले पहले मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।